ये जंग जो हुई है करबला में, मारका करबला जो हुआ है, ये यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं था, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान था। यानी ये शख्सी लड़ाई नहीं थी बल्कि नजरियात का तसादुम था। अगर शख्सी लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था, बतौर शख्स हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए और यजीद जो है वो तख्त व ताज पे मुतमक्कन रहा। तो अगर ये शख्सी लड़ाई करार दें तो यजीद जीत गया और इमाम हुसैन हार गए, ये शख्सी अगर लड़ाई करार दें, और अगर ये लड़ाई नजरियात की करार दें और जो हकीकत में नजरियात की लड़ाई है, तो यजीदियत हार गई और हुसैनियत जिंदाबाद हो गई। यजीदियत का जनाजा निकल गया, वो तख्त व ताज जिसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया था, उसके अपने बेटे ने उस पर तख्त पे थूका। यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद जब तख्त नशीन हुआ है तो वो घर से बाहर 6 माह नहीं निकला, उसका जनाजा ही निकला। तो लोगों ने कहा आइए ना तख्त पे बैठिए, कहा मैं उस तख्त पे नहीं बैठना चाहता जिससे आले पैगंबर के खून की बू आ रही हो, मैं इस तख्त पे बैठना चाहता। और फिर उसका तख्त सिमट गया, उसका नाम मिट गया, कुलंज के मर्द से तड़पता हुआ मरा और इंतहाई जिल्लत की मौत मरा, रुस्वा हो गया, उसका नाम भी बाकी नहीं है। मैं गुज़श्ता बरस करबला में हाजिर हुआ तो हजरत इमाम हुसैन का चमकता हुआ रोज़ा नूर देखा। वो लम्हे बड़े दर्दनाक थे जब हम करबला में पहुंचे, और रात का मौका था तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये नहर फुरात है, वो नहर फुरात जो चमकती रही और जिसकी लहरें उछलती रहीं। और करबला का ये मुकद्दस काफिला प्यासा रहा तो अजीब कल्ब के अंदर कैफियत का एक जहान था। ये तो इमाम हुसैन का रोज़ा है ना, लेकिन यजीद का निशान नहीं मिला। मैंने तारीख की कुतब में ढूंढा कि यजीद की कब्र कहाँ है, तो मुझे तारीख ने बताया मजबलाए दमश्क, दमश्क के अंदर कोई जगह है जहां लोग कूड़ा फेंकते हैं, तो उस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है। निशान भी नहीं है कहां है, लेकिन इतना पता है इस रूढ़ी के नीचे यजीद की कब्र है, यजीद की कब्र मजबलाए दमश्क में, और इमाम हुसैन का कब्जा आज भी करबला पे। तो यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्स मिट गया, इमाम हुसैन का नाम भी बाकी, आपका जिक्र की बाकी और आपके तस्करों की खुशबू भी बाकी। तो ये शख्सी लड़ाई नहीं थी। मैंने उस दिन अर्ज किया था कि तरमह बिन अदी बिन हातम ने 30,000 लोग पुश्त पे खड़े होने की बात की थी, लेकिन इमाम ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, इसलिए कि आप हक और बातल की राहें उजालना चाहते थे और वो उन्होंने उजालने। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी ये जंगें जारी रहीं। मालिक उश्तर की क़यादत में मुख्तार सकफी की फौजें इब्ने ज़ियाद की फौजों के मुकाबले में फुरात के किनारे लड़ रही थी। अल्लाह ताला ने फतह दे दी, इब्ने ज़ियाद ने घोड़े को एड़ लगाई और मैदान छोड़ के भाग गया, बाकी जो भी काबू आता उसको पकड़ के कत्ल कर दिया जाता। खैर ये लोगों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया, लेकिन इसका जी घबरा रहा था, प्यास की शिद्दत थी, घोड़ा भी हांप रहा था। तो ये चलते चलते सहरा में गया तो वहां उसने देखा कि एक खेमा है, तो सोचा कि मैं चलते चलते इनसे पानी का घूंट मांग लूं ताकि अपने जिगर की प्यास तो बजा सकूं। तो इसने घोड़ा खड़ा किया और हांपता हुआ उसने पर्दा उठाया, देखा तो खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो जब इसने देखा तो एक दफ़ा तो शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन मरता क्या ना करता, प्यास की शिद्दत थी, काजरत पानी दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और फिर घड़े से कटोरा भरा और इसके हाथ में थमाया, समझा कि हजरत ने मुझे पहचाना नहीं। पानी पी लिया, शिद्दत की प्यास थी, फिर मांगा, आपने फिर दिया। तीसरी मर्तबा फिर मांगा, आपने फिर दिया। 3 कटोरे पानी के पीने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, हजरत शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी तक जब्त किए बैठे थे, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकले, खा बदबख्त तुझे नहीं जानता जिसने मेरा खानदान उजाड़ दिया, 6 माह के बच्चे भी ना छोड़े, जिसने मुखद्दरात को ऊंटों पे बिठाया, क्या तुझे नहीं जानता जिसने खानदान नबूवत उजाड़ दिया। तो कहा, हजरत अगर जानते हैं तो मेरे साथ ये सलूक क्या किया। कहा, एक दिन हम मेहमान बन के तुम्हारे घर आए थे,
जो तुमने किया वो तुम्हारे खानदान की रीत थी। आज मेहमान बन के हमारे दरवाजे पे तुम खड़े हो, जो हम कर रहे हैं हमारे खानदान की रीत पर। तो ये शख्सी लड़ाई नहीं थी, ये नजरियात का तसादम था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चाहते थे वो हुआ, हक और बातल की सरहदें बिल्कुल वाज़ह हो गईं। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की रही वो जफा, रहा तो नाम हुसैन जिसे जिंदा रखती है करबला। शेख सादी फरमाते हैं, ए फलां बुलाई कर ले, अच्छाइयां कर ले, इस उम्र के एक एक लम्हे को गनीमत समझ ले, इससे कबल की आवाज आए कि फलां नहीं रहा, तू अपनी जिंदगी को पहले ही आमाल का हुस्न दे ले। तो ये वक्त मेरे और आपके ऊपर आने वाला है कि हमारे लिए भी लोग जमा हो रहेंगे, हम कब्र में अब तन्हाइयों और कब्र की पहनाइयों में मौजूद होंगे और लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आपको अपने आमाल की इसलाह कर लेनी चाहिए। इमाम गजाली ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, आप फरमाते अल्लाह ने मरने वालों के जरिए से जो बाकी जिंदा बच गए हैं उन पर एहसान किया। अर्ज की गई, एहसान कैसे? वो तो दुखों में मुबतला हैं, जिनका भाई चला गया उनका कलेजा फट रहा है, जिनका बाप चला गया उनकी दुनिया अंधेर हो गई, जिनकी माँ चली गई उनके सामने रोशनी का कोई हवाला नहीं रहा है, जिसका बेटा चला गया उसकी कमर टूट गई, जिसका भाई चला गया उसके बाजू टूट गए, और तुम कहते हो अल्लाह ने मरने वालों के जरिए से जो बाकी पस मांदगान हैं उन पर एहसान किया, ये एहसान कैसे है? इमाम गजाली फरमाते हैं, एहसान इस माना में है कि अल्लाह ने मरने वाले की मौत को इन बाकियों के लिए इबरत का निशान बनाया है, अगर इसकी मौत उनके लिए इबरत बना दी जाती तो ये क्या करता? तो अल्लाह ताला ने गोया उनकी मौत से इसको एक और मौका संभलने का दिया है कि वो लोगों की, अजीजों की, रिश्तेदारों की मौत को देखकर अपनी जिंदगी की राहों को ठीक कर ले। ये जो मरने वाले हैं ये हमारे लिए पैगाम है मौत का, और हम इनसे देखकर अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी गुजरे हैं, बनी इसराइल के मुक्तदा और इमाम नबी, आपने हजरत इजराइल से वादा लिया हुआ था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, बल्कि पहले को कासिद या पैगाम भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं, क्योंकि अचानक मौत से हुजूर ने भी पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि कब्ज़े रूह के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासिद या पैगाम भेज देना, उन्होंने वादा किया था, नबी थे उनसे वादा उन्होंने कर लिया। काफी मुद्दत गुजरी तो हजरत इजराइल आ गए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था पहले को कासिद या पैगाम भेजूंगा, तुमने ना को कासिद भेजा और पैगाम भेजा और कब्ज़े रूह के लिए आ गए। हजरत इसराइल ने अर्ज की, हुजूर मैंने तो कई कासिद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। कहा हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाकया हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, आपकी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, आपकी आंखों में सफेदी उतर आई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, आंखों में सफेदी का आ जाना, बालों में सफेदी का आ जाना, कमर में खम आ जाना, उठते हुए जनाजे, फैली हुई कब्रें, ये पैगाम है, कासिद है मौत का। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने दूर हटा दिया? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे अज़ा को तवाज़ुन दिया, तुझे हुस्न और जवानी बख्शी, तुझे चलने का सलीका दिया, तुझे बोलने का तरीका दिया, तुझे सोचने के लिए दिमाग दिया, तुझे समातों के पर्दे दिए, आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बैठा लेता है। ऐ इंसान जरा गौर तो कर, उस रब का शुक्र कर, क्यों भूल गया उस रब को जिसने तुझे पैदा किया? अगर तुझे पैदा ही ना करता तो तू क्या करता? फिर पैदा करके छोड़ देता तुझे, अगला तेरा तेरी जिम्मेदारी अपने जुम्मे कर्म पे ना लेता तो बचा तुझे गर्मी की सख्ती से कौन बचाता, तुझे ठिठरती हुई सर्दी से कौन बचाता, मां के सीने में तेरा प्यार ना डालता, तुझे गंदगी में लुथड़े हुए को कौन उठाता? लेकिन उसने प्यार डाला मां के सीने में, जिसने तुझे पहले चूमा और फिर उसने तुझे धोया।
इंसान गौर तो कर, मा गर्रक बे रब्बिकल करीम।